नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा से दतिया से चलकर डबरा पहुंची। सिंधिया चौराहे पर महाराज सिंह राजौरिया के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया जन आक्रोश रैली का स्वागत। जन आक्रोश यात्रा ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, डबरा विधायक सुरेश राजे सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा का सिंधिया चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर आत्मीय और भव्य स्वागत किया। जन आक्रोश यात्रा नगर की मुख्य मार्गों से होते हुए एक निजी मैरिज गार्डन में समाप्त हुई। मंच से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर बरसे और कहा कि ये जन आक्रोश कांग्रेस का नहीं बल्कि आम जनता में है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने 18 साल प्रदेश में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। अब प्रदेश की जनता समझ चुके हैं और अब आक्रोश जनता के दिलों में और दिमाग में बस गया है। आज प्रदेश बलात्कार, भ्रष्टाचार और घोटाले में नंबर 1 पर है। अब भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। डबरा से ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंकज अत्याचार से पीड़ित किसान हो, पशुओं का धान लेने और जो परेशानी थी वो भी किसानों की दूर की गई। मोदी जी ने समझौता किया था किसान के साथ, वही पूरे हो गए। केवल आपसे नौजवान साथी से कहना चाहता है कि आप सब लोग बड़े धैर्य के साथ इतना जोर तामझाम भी लगाए हैं और जोर ताकत लगातार उसके मौत तक बना है। बैठ जाइए, वो आना है, आप देख लेंगे, होते देख रहे हैं पार्टी के साथी आ रहे हैं। कैसे आप बस दिए आप दिए सर, आप समझे कहना है कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएगी। आप लाइन बनाइए, हम आपसे बदल देते हैं, आपके हर कामना सुविधा में आपके सामने आएंगे और आपके हर वक्त जब आप मांगो तब आएंगे। पहले से सुविधा देना पड़ेगी, आपकी हर समस्या का निदान करेंगे। जिन लोगों में झूठे होकर हुए हैं वापस आपके पार्टी के साथ पार्टी कैसे जाने वाली है, हमारे बदल सकते हैं।